हमारी सास बहू और बेटियां की एयरलाइन भी आज रंग गई है इस खूबसूरत साड़ी की तरह गुलाबी रंग में, और लेकर हाजिर है आपके लिए एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो किस बात का है आपको इंतजार, फटाफट हो जाइए इस पर सवार। सोनी टीवी के सीरियल बड़े अच्छे लगते हैं सीजन 2 में पीहू को लेकर राम और प्रिया के बीच फिर एक बार छिड़ गई है बहसबाजी। भाई दोनों के बीच प्यार तो बहुत है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से लड़ते ही रहते हैं, और ऐसे में दोनों निकल पड़े हैं पीहू को ढूंढने के लिए। आप अपनी कार रख लीजिएगा, मैं अपनी बेटी रख लूंगी, क्योंकि आपको तो गाड़ी की ज्यादा चिंता। पीहू की बात नहीं है, पीहू बीच मत लेकर आओ। पीहू है बीच में, आपकी मॉम पीहू को किडनैप करके ले गई है। मैं आप यहाँ पर खड़े रहिए और किसी और से भेज दीजिए, क्योंकि मैं फार्म हाउस जा रही हूँ, पीहू को ढूंढने बस। ओके ओके ओके, लेकिन गाड़ी में वहीं दूसरी तरफ राम अपनी मम्मी से बात कर रहे हैं और उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो चिंता ना करे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वहीं इन सब के बीच चल रही है शुभम की प्लानिंग प्लॉटिंग। वो तो चाहता है कि राम और प्रिया फिर एक बार अलग हो जाएं। प्लानिंग तो चलती रहेगी बिकॉज शुभम का काम वो है, तो ये सभी वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे हैं और राम भाई और प्रिया के बीच में, क्योंकि प्रिया को लग रहा है कि हम शायद किसी लॉयर के पास गए हैं ताकि बहुत अच्छे लॉयर के पास ताकि हम लोग पीहू की कस्टडी ले सकें, लेकिन बात ये हो रही है कि राम भाई कुछ और करना चाह रहे हैं पीहू के लिए, ट्रस्ट शायद खोल रहे हैं और हम वही ट्रस्ट को ब्रीच कर रहे हैं बेसिकली, तो वो चल रहा है अभी। यहाँ कस्टडी की कोई बात ही नहीं है, यहाँ हम लोग खाली वो शक पैदा कर रहे हैं प्रिया के दिमाग में कि शायद ये हो रहा है, लेकिन राम भाई के दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब चीज़ें हम उनके थ्रू प्रिया के दिमाग में डाल रहे हैं सैंडी को यूज़ करते हुए, जहाँ सैंडी को एक कार्ड मिलेगा जहाँ से उसको लगेगा कि हम लोग ने ये सब किया है। और मैं चाह रहा हूँ कि हम लोग पासपोर्ट भी बनवा रहे हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें हो रही हैं, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे करके अटैच होंगी तब आपको पता चलेगा कि हम लोग करके आ रहे हैं पासपोर्ट बाहर जाने के लिए, और जिसको प्रिया को पता ही नहीं है। और शायद हम लोग चाह भी रहे हैं कि कुछ तरीके से भेजने प्रिया और पीहू को बाहर भेजने के लिए, शायद कोई स्कूल में डालने के लिए और प्रिया को स्कूल में शायद टीचर के जॉब के लिए, तो ये सारी चीज़ें शायद धीरे धीरे हम लोग डालने वाले हैं राम भाई के दिमाग में। और जैसे मेरी मॉम है उनका दिमाग बहुत चलता है, तो वो चला रही है अपना दिमाग और हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं।